OBS में अपनी ऑडियो सेटिंग्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे अपनी बैकग्राउंड साउंड को और बाकी जितनी भी साउंड्स हैं उन सभी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ पे सोर्स में माइक को ऐड करना है, उसके बाद आपको माइक के सामने जो सेटिंग्स का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, फिल्टर के अंदर जाना है और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने चार सेटिंग्स यहाँ पे ऐड की हुई हैं, नॉइज़ सप्रेशन, लिमिटर, कंप्रेसर, नॉइज़ गेट। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कौन सी सेटिंग से हम क्या कर सकते हैं, उसका क्या बेनिफिट है। एक बार मैं इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग से बता सकूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे प्लस पे आना है, क्लिक करना है और नॉइज सप्रेशन को सिलेक्ट करना है। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको बैकग्राउंड से इस टाइप की साउंड आ रही होगी, जो हिसिंग साउंड होती है वो आ रही होगी अभी, लेकिन जैसे मैं इसको ऐड करूँगा तुरंत आनी बंद हो जाएगी वो। अब वो आनी बंद हो गई है, ठीक है, आपको केवल मेरी वॉइस आ रही है, उसके अलावा जो भी बैकग्राउंड से हिसिंग साउंड था वो बंद हो चुका है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, मेरे सिस्टम में दो सेटिंग्स हैं, सपेक्स और आर एन नॉइज़। अगर आपके सिस्टम में कोई और इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है या आपने बाद में इंस्टॉल किया हुआ है मार्केट से, तो आपको यहाँ पे शो करेगा कौन कौन से सेटिंग्स आपके पास है और किस किस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास दो हैं तो हमेशा गुड ऑडियो और मोर सीपीयू यूसेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, इसके बाद आपको कंप्रेसर सेलेक्ट करना है। कंप्रेसर में क्या है, अपनी वॉइस को इनक्रीज कर सकते हैं वीडियोज़ के लिए। अगर आप ऐसी जगह हैं या आपका माइक ऐसा है कि इसमें वो वॉइस जाती ही नहीं है, बहुत कम ऑडियो जा पाती है, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट गेन का जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है उस पर जाएंगे और उसको जैसे हम बढ़ाएंगे ना आवाज़ आपको बहुत तेज आएगी। अभी आपको मेरी आवाज़ बहुत तेज आ रही होगी, ठीक है, जो पहले आ रही थी, लेकिन मैं इसको हमेशा बैलेंस बना कर रखता हूँ 8 पे। 7:30 या 8 इज द बेस्ट, ओके, तो 8-10 dB इज द बेस्ट सेटिंग फॉर आउटपुट गेन। अगर आप एक बैलेंस ऑडियो हमेशा आपको मिलेगी। फिर से आप प्लस के साउंड पर जाएंगे, लिमिटर पर क्लिक करेंगे। लिमिटर पे होता क्या है कि कई बार मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ या मैं वो कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, कई बार कुछ वर्ड बहुत तेज बोल जाते हैं, हम चाहते हैं कि वो लिमिट में रहे, एक लिमिट से ज़्यादा ना निकले, क्योंकि अगर आप नीचे देखें तो जो मैं बोल रहा हूँ मेरे मेरी सारी आवाज़ आपको येलो में आ रही है, लेकिन जब मैं तेज़ बोलूंगा ना आपको देखना ये रेड में चली जाएगी, हेलो हाय, देखो रेड में जा रही है वो। इसलिए हम इसको मैनेज कर सकते हैं और हम इसको नॉर्मली रखेंगे 10 पे, तो 10 पे ये हमेशा काम करेगा बढ़िया और आपकी आवाज़ को कभी भी रेड में नहीं जाने देगा, एक लिमिट से बाहर नहीं जाने देगा, हमेशा उसको येलो और ग्रीन के अंदर ही रखेगा, तो लिमिटर बहुत ज़रूरी है। सबसे लास्ट आ जाता है नॉइज़ गेट। नॉइज़ गेट का क्या काम है, जैसे अभी मैंने लगाया नहीं है, ठीक है, देखो मैं बोलना बंद कर देता हूँ, वॉल्यूम को पिक कर रहा है, आप मेरे माइक में देखिए यहाँ पे येलो आएगा, देखा आपने, मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो ब्रेथिंग साउंड है, जो मैं सांस ले रहा हूँ उसकी आवाज़ को भी वो पिक कर रहा है, लेकिन नॉइज़ गेट यहाँ पे क्या करेगा, आपकी इस टाइप की सारी साउंड को बंद ही कर देगा वो, केवल जब आप बोलोगे ना उसकी ही साउंड को लेगा, अदरवाइज लेगा ही नहीं वो। अब आप देखिए, देखा आपने, कोई साउंड आ ही नहीं रहा था, वो सारे साउंड को ही डिलीट कर देता है। तो सबसे अच्छी चार सेटिंग्स हैं ये, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फिल्टर्स में जाना है, नॉइज सप्रेशन, कंप्रेसर, लिमिटर, नॉइज गेट। नॉइज सप्रेशन में आप जो हिसिंग साउंड होती है, जो बैकग्राउंड से साउंड आती है, आप उसको क्लोज कर सकते हैं। कंप्रेसर में आप जो वॉल्यूम आप दे रहे हैं, आप चाहते हैं आपकी वीडियोज में बहुत अच्छी साउंड जाए वो, ठीक है, आप उसको आप मैनेज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। लिमिटर क्या करेगा, आपकी वॉइस को एक लिमिट से ऊपर जाने नहीं देगा, उसके पहले ही लिमिट में रखेगा उसको वो। अगर आप तेज बोल भी रहे हैं ना, आपकी वीडियो में जो ऑडियो जाएगी बहुत लिमिट में जाएगी, क्योंकि हमने पहले से वो सेटिंग अभी मैनेज की हुई है। और नॉइज़ गेट क्या करता है, जो आपकी ब्रेथ साउंड है, जो आप सांस लेते हैं, उसके साउंड को कैंसिल करके केवल आपके बोलने की ही साउंड को आपकी वीडियोज में, आपकी ऑडियोज में रिकॉर्ड करता है, उसके अलावा वो नहीं करता। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।